हेलो गाइस, तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ बरा फ्लोरी। ये हमारे एमपी की एक अच्छी सी डिश है। तो ये हमने एक किलो करीब उड़द दाल ले लिया है, इसको रात को हमने भिगा दिया था। अभी इसको हमने धो लिया है मल के। काला वाला उड़द दाल लिया था मैंने, इसको अच्छे से भिगा के धो लिया है। अभी इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो देखिए, हमने दाल इस तरीके से पीस ली है मिक्सर में। तो देखिए, दाल पीस लिया है मैंने। अभी इस दाल को अच्छे से फेंटना है हमें इस तरीके से। देखिए, हमने 5-10 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे बर्तन को ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से और अच्छे से फूल जाए। इसको हम 10 मिनट तक के लिए ऐसे ढक के रखेंगे। हमने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया है, ज़्यादा सा। अभी इसमें हम डालेंगे नमक, डाल दिया है हमने नमक इस पानी में। और अभी इसमें डालेंगे हम हींग, ये कुछ एक चम्मच के करीब हींग डाल दिया है हमने। अभी इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये हींग वाला पानी बनकर रेडी हो गया है। हमने पानी में हींग अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी इसको हम ढक्कन से ढककर रख देंगे ताकि हींग और पानी में अच्छे से हींग घुल जाए पानी के अंदर। ये ढक दिया है। तो ये हमने 3 लीटर छाछ ले लिया है यानी मट्ठा, और 1/2 किलो इसमें हमने दही डाला है। तो अभी इसको बेलने से इसको इस तरीके से हमने ले लिया है मट्ठे में मिलाने के लिए मसाला। अभी इसको हम एक जार में डालकर पीसेंगे। तो 1 छोटा चम्मच ये राई है, 1/2 टीस्पून ये मैंने हींग ले लिया है, 8 से 10 लाल मिर्च ले ली है और 1 काट लहसुन छील लिया है। अभी इसको हम एक मिक्सर में पीस लेंगे। ये मसाला हमने पीस लिया है, अभी हम इसको मट्ठे में मिक्स करेंगे। अभी ये सब अच्छे से एकदम गांव के स्टाइल से बना रही हूँ मैं। तो आप लोग ये मत बोलना कि इसको ऐसे क्यों बनाया, ये ढक्कन क्यों उसमें कर दिया। तो उसका मसाला साफ किया है मैंने और ये इस तरीके से तो अभी इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अगर हमें लगेगा तो हम बाद में इसको अलग से मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच की हेल्प लेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे से। इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अभी इसको एक ढक्कन से हम ढक देंगे इस तरीके से और इसको साइड में रख देंगे। तो फ्लोरी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 किलो बेसन। इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालना है। ये थोड़ा नमक डाल दिया, हम पानी डालकर इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये हमने पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। एकदम से पानी डालेंगे तो बेसन ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। देखिए, हमने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है इस तरीके से। अभी इसको हम ढककर रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए
हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तभी इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होएगा ना तब फिर हम बड़े सेकेंगे। बड़े तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी का भी लेंगे। तो देखिए इस तरीके का गोल्डन फ्राई करना है इसको। और अभी हम इस पानी में डालेंगे जो हमने हींग और नमक का पानी बना के रखा है। इस तरीके से हम डाल देंगे पानी के अंदर ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी अच्छे से सोख ले अंदर। देखिए हमारे ये बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। हमने इनको पानी में डाल के रखा है। अभी ये एक डेढ़ घंटे के लिए इसी पानी में ही रहेंगे। उसके बाद हम इसको मट्ठे में डालेंगे। तब तक हम भजिए सेकते हैं। तो हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ये बेसन जो हमने भिगा कर रखा था ये अच्छे से फूल चुका है, तभी हम भजिए निकालेंगे। ये बेसन में होल गिरना ज़रूरी है, अगर होल नहीं गिरेगा तो आपके भजिए अच्छे नहीं बनेंगे। तो अभी हम इस गर्म ऑयल में इसको इस तरीके से डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से होल आने लगे हैं हमारे भजिए के अंदर। इसी तरीके से होल आने चाहिए ताकि भजिए अच्छे बने। इस तरीके से इनको हम पलट देंगे। अभी पलट दिया है एक एक करके। अभी ये अच्छे से सिक गए हैं तो हम इनको निकाल कर मठे के अंदर डालेंगे। जो हमने मठा बना कर रखा है ना ये इस मठे के अंदर डाल देंगे इनको। तो देखिए हमारी ये भजिया पकौड़ी भी बनके रेडी हो गई है, जिसको इसमें इसको बोलते हैं फुलौरी, जो इसमें डालते हैं। ये फुलौरी बनके रेडी हो चुके हैं। अभी इसको हम इसमें डालेंगे इस तरीके से ताकि इनमें भी नमक मिर्च का टेस्ट अच्छे से आ जाए। इस तरीके से डाल देंगे सारे। तो देखिए हमने इनको अच्छे से भिगा दिया है इस मठे के अंदर इस तरीके से। और अभी इसको हम तड़का देंगे। पैन में तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तो हमने ले लिया है ये तड़के के लिए लहसुन और जीरा। तो हम पहले लहसुन डालेंगे और लहसुन अच्छा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, फिर हम डाल देंगे उसमें जीरा। देखिए हमारा लहसुन अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तभी हम इसमें ये जीरा डाल देंगे। जीरा भी फ्राई हो गया है तभी हम इसको तड़का देंगे। हमने धनिया काट कर रख लिया था तो अभी इसमें हम डाल देंगे धनिया। रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हमारे यहाँ ये त्योहारों पे बनता है, ईद पे, बकरीद पे, काफ़ी सारे त्योहारों में ये चीज़ बनती है। क्योंकि मीठा रहता है तो थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, तो हम लोग यही चीज़ बनाते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर आप हमें बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं मिलती हूँ अगली किसी ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।